आत्मनिर्भर प्रभु के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। प्रभु जी की तो ग्लोरीज का मैं बखान पूरा नहीं कर पाता कर पा सकता हूँ, लेकिन तो भी जितना भी जानता मैं उतना बोलने की चेष्टा करूंगा। धर्मात्मा ने प्रभु डॉक्टर बिश्रा इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हुए और पूरे के पूरे उनके एकेडमिक कैरियर में बहुत ही स्टडी थे, बहुत ही अच्छे पढ़ाकू स्टूडेंट थे और साथ साथ में वो शास्त्रों के अध्ययन में बहुत ज़्यादा बहुत बड़े पढ़ाकू हैं, है ना। वो एक महीने में श्रील प्रभुपाद की एक मोटी किताब खत्म कर देते थे। प्रभुपाद जी की वेदाव्यास में जितनी सारी किताबें हैं, वेदाव्यास शायद आप लोग कुछ नाम जानते होंगे या फिर कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन सभी किताबों को एक एक करके वो पढ़ जाते थे। मतलब इंटॉक्सिकेटिंग उनका ये हैबिट या क्या बोलेंगे उसको, इंटॉक्सिकेटिंग लत बोलेंगे श्रील प्रभुपाद जी की बुक को पढ़ने का, ये उनका है। तो दिस इज सो ग्लोरियस टू हैव दिस टेस्ट ऑफ हियरिंग कृष्णा एंड रीडिंग कृष्णा क्वालिटीज एंड पास टाइम्स। तो आज हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं कि आज श्री धर्मात्मनिर्भर प्रभु हम लोग को रामायण के ऊपर आज बताएंगे और वो एक ऐसे रामायण के को मतलब निकालने के कार्य में सहयोग दे रहे हैं जो कि हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। पूरे इतिहास में वाल्मीकि रामायण का सबसे पहला संस्करण निकल रहा है जो कि अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण हो रहा है, प्रत्येक श्लोक का अनुवाद। तो हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि आज डायरेक्टली धर्मात्मनिर्भर प्रभु से हम लोग सुनेंगे जो कि उस कार्य में संलग्न है। बहुत सारे प्रूफ रीडिंग है, संस्कृत को देखना है, ऐसे सभी कार्यों को देखते हैं और बहुत ही डेडिकेटेड भक्त हैं। तो हम लोग श्रीपाद धर्मात्मनिर्भर प्रभु को आज की कक्षा में हम लोग वेलकम करते हैं चैंटिंग हरे कृष्णा। ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट योर फेस ऑल्सो, है ना। दर्शन पवित्र करो सही तुम्हार गुण, आप लोग का गुण होना चाहिए कि दर्शन दे के पवित्र करें हम लोग को। बहुत अच्छा, सब लोग दर्शन दे रहे हैं, ठीक है। जिनका नेट नहीं है तो चलेगा, बाद में दर्शन लेंगे आपसे। तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड चैंट होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र लाउडली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोविष्टं स्थापितं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाग्रजातं शरणारविन्दं विष्णुपादाय कृष्णभीष्टाय समीचीनाचार्य पादान्ताय गौरपदाय गौरपदां धारिणीकृतं धारिणं नमो विष्णु प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवास्ति गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, सभी भक्तगण का स्वागत है। तो मैं वस्तुतः पात्रता नहीं है मुझ में कि मैं भगवान हरिकथा पे कुछ बोल पाऊँ या भगवान के बारे में कुछ बता पाऊँ, फिर भी हरि गुरु वैष्णव की कृपा से और जो कुछ भी मैं समझ पाया हूँ, चूँकि मैं इस कार्य में थोड़ा बहुत सहायता करता हूँ श्रीपाद विद्वान गौरांग प्रभु का, और एक विनम्र सेवक के रूप में भगवान ने मुझे अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने का भी अवसर दिया है, तो जो कुछ मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ उसी को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले, जैसे हम लोग बोलते हैं वाल्मीकि रामायण, रामायण तो अभी बहुत सारे खास करके भारत में कुंभ रामायण, रामचरितमानस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो वाल्मीकि रामायण पर इतना क्यों हम लोग जो है स्ट्रेस देते हैं वाल्मीकि रामायण। श्रील प्रभुपाद भी, जैसे एक लेटर उन्होंने लिखा है दीनानाथ को, मैं आपको भी दिखाऊंगा भाई, तो क्या है
जस्ट मैं खोल रहा हूँ एक मिनट में अपना वन ड्राइव, उसमें मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। तो वाल्मीकि रामायण पे क्यों इतना ये देते हैं स्ट्रेस कि वाल्मीकि रामायण, रामायण तो बहुत सारा है, बहुतों ने अभी भारत में रामायण का बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। तो वाल्मीकि रामायण वस्तुतः हर जगह प्रमाणित है, व्यासदेव अलग अलग शास्त्रों में उनका वर्णन किए हैं वाल्मीकि जी का, जैसे पद्म पुराण में अध्यात्म रामायण के रूप में आता है, जहाँ पे शिव पार्वती को बता रहे हैं वाल्मीकि का ग्लोरीज, तो व्यासदेव के द्वारा वो उनकी संस्तुति की गई है। तो इसलिए हम लोग वाल्मीकि रामायण, जैसे कि हम लोग एक सिंपल सी चीज़ है, हम लोग जब आए यहाँ पर इस्कॉन में, या जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी का हमारा इंट्रोडक्शन हुआ स्पिरिचुअलिटी से, तो सबसे पहले क्या बताया गया, हम लोग कैसे मानते हैं कि कोई चीज़ प्रमाणित है, कोई चीज़ बोनाफाइड है या नहीं, तो तीन चीज़ों से हम लोग मानते हैं, जो साधु गुरु शास्त्र तीनों एक लाइन में होने चाहिए। तो उस एक मिनट जस्ट, तो हम आपको इसलिए वो प्रमाणिक है साधु गुरु शास्त्र हर कुछ में। तो सबसे पहले जैसे हम देखेंगे कि शास्त्रों में कहाँ पे वर्णन है वाल्मीकि रामायण का, है ना, तो शास्त्रों में कहाँ पे वर्णन है, या फिर जो हम लोग जो ये, तो हम जैसे भविष्य पुराण में मध्वाचार्य जो हैं वो भविष्य पुराण कोट करते हैं कि ये जो वाल्मीकि रामायण जो रचित है, इनको बहुत जगह मूल रामायण भी कहा जाता है। वस्तुतः मूल रामायण ब्रह्मा जी के द्वारा, जो कि 7 कोटि श्लोक है ब्रह्मा जी के द्वारा उसमें दिया हुआ, वो देवताओं के लिए ब्रह्मा जी ने लिखा था। तो वाल्मीकि जी, हम लोग जब आगे आएंगे आज से 3-4 क्लास के बाद, उसमें पता चलेगा कि ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को, महर्षि वाल्मीकि को आदेश दिया, निर्देश दिया कि उसका सारांश मनुष्य लोक के लिए, मानव लोक के लिए तुम उसका सारांश लिखो। तो ब्रह्मा जी का जो रामायण है वो वस्तुतः मूल रामायण है, जिसमें 7 कोटि श्लोक आए हैं, 7 कोटि श्लोक। तो वाल्मीकि जी जो हैं वो ब्रह्मा जी के रामायण का सार जो है वो मनुष्य लोक के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो भविष्य पुराण में है, श्री मध्वाचार्य जी बोल रहे हैं, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि क्या, यहाँ पे आप देख, ऋग यजु साम अर्थ वाश्च भारतम पंचरात्रकम मूल रामायणम चैव वेद इत्येव शब्दिता पुराणानि च यानि ह वैष्णवानि विदो वितुः स्वतः प्रमाण्यम एतेषां नात्र किंचित विचार्यते। तो मध्वाचार्य बोल रहे हैं कि भविष्य पुराण में कहा गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, महाभारत, पंचरात्र और मूल रामायण, ये सभी जो है वो वैदिक वांग में है, और इनकी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा ये चीज बताना पड़ेगा। वस्तुतः ये जो है स्वतः प्रमाणित है, फिर भी क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते हैं कैसा कैसे कि हम मान लें ये है या नहीं है, तो हम लोग अलग अलग जगह से उसका प्रमाण देते हैं कि नहीं, वाल्मीकि रामायण जो है प्रमाणिक है। अब जैसे श्री प्रभुपाद, हम शास्त्रों में जैसे यहाँ पे है, या फिर हम लोग और ये और दूसरी जगह भी, दूसरी हरिवंश में व्यासदेव, हरिवंश जो है महाभारत का अपेंडिक्स माना जाता है, मतलब महाभारत का परिशिष्ट, उसमें जो है वो अलग अलग ये व्यासदेव जो है महाभारत में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, या जितने भी स्थान हैं, जितने भी पात्र हैं, जिन सब ने भाग लिया है, तो उसके वो कौन है, क्या है, नहीं है, उसके लिए उन्होंने हरिवंश लिखा था। मतलब तो हरिवंश में भी एक व्यासदेव खुद ये श्लोक लिख रहे हैं कि वेदे रामायण चैव पुराने भारते तथा आदावंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। तो यहाँ भी वो रामायण की प्रामाणिकता व्यक्त कर रहे हैं, प्रामाणिकता बता रहे हैं कि वेद में है, वेद हो या रामायण हो या महाभारत हो या पुराण हो, हर जगह सर्वत्र जो है, शुरू से मध्य से अंत तक, हर जगह भगवान हरि की ही महिमा का वर्णन है। तो ये हरिवंश में बताया गया है, व्यासदेव बता रहे हैं।
तो उसी प्रकार से जैसे शास्त्रों में हर जगह ये बताया गया कि वाल्मीकि रामायण जो है, जब वो मूल रामायण की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को रामलीला बता रहे होते हैं तो वहां पे उनको क्या कहते हैं, उन्होंने वो शॉर्ट में उनको बस बताया, संक्षिप्त में उन्होंने बताया उनको कि हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं क्योंकि आप पहले ही इसके बारे में बहुत सुन चुके हैं अलग अलग लोगों से। तो क्योंकि एक पहले एक स्टैंडर्ड था ऋषि मुनियों के मध्य, आचार्यों के मध्य, ये हाल फिलहाल तक ऐसा, और जो भी अभी वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्य हैं वो इस तरीके से करते हैं। क्या स्टैंडर्ड था, अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर कोई एक आचार्य या कोई एक ऋषि ने विस्तृत वर्णन किया है तो जो दूसरे ऋषि मुनि रहते थे उस पर उनमें जो चीज उन्होंने छोड़ दिया उस चीज पे, या कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो रही है उस चीजों को बस स्पष्ट करने के लिए वो लिखते थे। अगर उनकी जैसे कृष्ण जो हम चैतन्य चरितामृत में कविराज कृष्ण जो कृष्ण कविराज जो लिख रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो लिख रहे हैं, उसमें वो क्या कहते हैं कि चूंकि वृंदावन दास ठाकुर ऑलरेडी भगवान के चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स को चैतन्य भागवत में बहुत अच्छे से वर्णन कर चुके हैं, इसलिए वो बहुत कम चैप्टर्स में, 7-8 चैप्टरों में ही वो चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स उनका जो है समाप्त कर देते हैं। तो ये एक एटिकेट है, एक आदर देना चाहते हैं, तो इसलिए वो जो है जो इस तरीके, तो इसलिए व्यासदेव या सुखदेव गोस्वामी या फिर जो कोई भी वो उन्होंने विशेषतः इस बारे में ज़्यादा उन्होंने नहीं वर्णन किया है भगवान राम के बारे में या फिर तो विशेषता उन्होंने वर्णन नहीं किया है। अब आगे जब हम लोग आएंगे कि ठीक है चलो मान लिया कि हमने शास्त्रों में वाल्मीकि रामायण के बारे में बताया गया कि प्रमाणिक है, अब गुरु वर्ग हमारे लिए, जैसे गुरु वर्ग में अभी जो आचार्य वृंद हैं वर्तमान में उपस्थित वो और शिल प्रभुपाद को हम लोग गुरु वर्ग में ही रखते हैं, तो गुरु वर्ग क्या कहते हैं उसके बारे में भी मैं आपको अभी जस्ट एक दिखाऊंगा। शिल प्रभुपाद जी ने वस्तुतः एक लेटर लिखा था किनको, दीनानाथ जी को, कि वो वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करना चाहते हैं 30 वॉल्यूम में, जिस प्रकार से उन्होंने श्रीमद् भागवतम का 60 वॉल्यूम में अनुवाद किया है उसी प्रकार से वो अनुवाद करना चाहते हैं वाल्मीकि रामायण का। क्यों वो ऐसा लिखते हैं, क्यों मैं अनुवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है वो प्रामाणिक है, इसलिए मैं वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करना चाहता हूँ। वो मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ अभी कि उन्होंने दीनानाथ जी को लिखा था। तो प्रभुपाद जी ये चीज वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किए बिना अपना भौम लीला समाप्त कर लिए, वो उससे पहले चले गए, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु यदि चाहते तो वो खुद इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार जो है पूरे विश्व में कर सकते थे, लेकिन अपने भक्तों को ग्लोरियस बनाने के लिए उन्होंने इस चीजों को छोड़ दिया, श्रील प्रभुपाद के लिए उन्होंने छोड़ दिया, श्रील प्रभुपाद की ग्लोरीज को दिखाने के लिए लोग पूरे विश्व भर में कि श्रील प्रभुपाद कितने ग्लोरियस है, उनके सेनापति भक्त थे, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने अनुयायियों को ग्लोरियस बनाने के लिए कुछ चीजें, और अनुयायियों को अपने ऊपर उनके ऊपर श्रील प्रभुपाद के ऊपर ज्यादा विश्वास आए इस चीजों के लिए उन्होंने कुछ चीजें छोड़ दी कि उनके जो अनुयायी गण हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनके प्रशिष्य हैं, उनके जो ग्रैंड डिसाइपल्स हैं, उन चीजों को वो कंप्लीट करें श्रील प्रभुपाद के जो, क्योंकि एक बहुत ही, अगर हमको भक्ति में उन्नति करना है तो एक बहुत ही उसका एक सीक्रेट है। मैं पढ़ रहा था श्री श्रीमद जयपिता का स्वामी महाराज को कुछ दिन पहले, तो वो बोले कि भक्ति में आगे बढ़ने का एक बहुत ही सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है कि अगर हम जो पूर्ववर्ती आचार्य वृंद हैं उन्होंने जो कुछ छोड़ दिया है हमारे लिए, अगर उस चीज़ों को हम पूरा करते हैं तो फिर हम भक्ति में बहुत तेजी से हम उन्नति कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वो वाल्मीकि रामायण को अनुवाद करना चाहते थे, वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करना चाहते थे एज जैसे कि उन्होंने भागवतम का किया, कैसे संस्कृत श्लोक रहेगा, फिर शब्द प्रत्येक शब्द का अर्थ रहेगा और उसके बाद उसका भावार्थ मतलब टीका उस पे करेंगे, अनुवाद रहेगा और उसका टीका करेंगे। उसी प्रकार से देखिए मैं आपको यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि मैं उसको जस्ट हाईलाइट किया हूँ। श्रील प्रभुपाद जो
ये जो वाल्मीकि रामायण के अनुवाद की मेरी बहुत इच्छा है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्योंकि यह प्रामाणिक है। मैं वाल्मीकि रामायण का ठीक उसी तरह अनुवाद करना चाहता हूँ जिस तरह मैंने श्रीमद् भागवतम का किया है। 26 जुलाई 1975 को उन्होंने पत्र लिखा था दीनानाथ एन मिश्रा को कि मैं उसी तरीके से इसका ये करना चाहता हूँ जिस प्रकार से मैंने भागवतम का अनुवाद किया है। तो जैसे गुरुवृंद जो है, या फिर अभी वर्तमान में जो है, जो हमारे गुरुवृंद है, जो अभी उपस्थित गुरुवृंद है हमारे पास, उन्होंने भी ये चीज ये इस चीजों पे वो भी फोकस करते हैं कि वह वस्तुतः जो है वो लोग भी, जैसे कि हम आपको अभी अब दिखाएंगे और कुछ चीजें हम आपको और दिखाएंगे, जस्ट एक मिनट, कि जैसे श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति विकास महाराज, श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज, इन लोगों, ये लोग चाहते हैं कि इस्कॉन में रामायण की बहुत जरूरत है। प्रभुपाद चाहते थे कि वर्णाश्रम धर्म आए, या तो कैसे इस चीजों को हम जल्दी समझ नहीं सकते हैं कि वर्णाश्रम किस प्रकार से, क्योंकि ये बहुत दिन पहले ही ये नष्ट हो चुका है। तो ये लोग चाहते हैं कि, क्योंकि रामायण में जो है भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हर चीज को स्थापित कर रहे हैं कि इसका कर्तव्य इस तरीके से होना चाहिए, इसका कर्तव्य इस तरीके से होना चाहिए, इसका कर्तव्य इस तरीके से होना चाहिए। जैसे वर्णाश्रम में हर वर्ण और हर आश्रम का एक कर्तव्य होता है, एक निर्धारित कर्तव्य होता है किस प्रकार से करें। तो इसलिए जो अभी जो वर्तमान में जो हमारे गुरुवृंद हैं, उन लोगों ने भी या श्रीमान गोपी प्रणांधन प्रभु, तो इन लोगों ने चाहा कि इस्कॉन में भी एक प्रमाणिक वे में जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद चाहते थे उस प्रकार से रामायण आए। यहाँ पे जो अभी जो संकलन करता है श्री विद्वान गौरांग प्रभु, उन्होंने लिखा है कि श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की संतुष्टि प्रदान करने के लिए उन्होंने उनको आदेश दिया कि रामायण पे काम करो। तो लिख रहे हैं कि मैं हमेशा उनके प्रति आभारी रहूंगा कि श्रील प्रभुपाद को संतुष्टि प्रदान करने वाले रामायण के संस्करण के प्रकाशन के प्रयास हेतु उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया है। फिर श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज, और फिर इस्कॉन में इसकी क्या जरूरत है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए गोपी प्रांधन प्रभु ने उनको बताया कि किस तरीके से इसकी व्याख्या करना है, इसका संकलन किस प्रकार से करना है। और फिर श्रीमद भक्ति विकास स्वामी महाराज जो हैं, जो भी पर्टिकुलर वो सेक्शंस, उसको क्रिटिकली वो रिव्यू करते हैं और उसके बाद उनको बताते हैं किस प्रकार से करना है। तो वर्तमान के जो भी गुरुवृंद हैं, प्रभुपाद जी और जो वर्तमान के गुरुवृंद हैं, वो भी चाहते हैं कि रामायण आए। तो शास्त्र हो गया, गुरु हो गया, अब जो है साधु। साधु मतलब नॉर्मली जो होता है, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य वृंद हैं। तो क्या पूर्ववर्ती आचार्य वृंद भगवान राम या रामायण को प्रमाणिक मानते हैं या नहीं? तो विशेषतः जैसे कि हम लोगों के लिए, एक गौड़िया वैष्णव के लिए हरिनाम ऑक्सीजन है और भागवतम ऑक्सीजन सप्लायर की तरह, श्रीमद् भागवतम हम लोग इस तरीके से कार्य करते हैं, उसी तरह से श्री वैष्णवों के लिए जो विग्रह, अर्च विग्रह की जो पूजा है, उनके लिए ऑक्सीजन है। जैसे अगर हम लोग हरिनाम नहीं करें, अगर हम लोग आध्यात्मिक जीवन में रह रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, अगर एक दिन ही बस अगर हमारा 16 माला नहीं हो पाता है, तो कितना, मतलब ऐसा लगता है कि हम मतलब बिन जल के मछली हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए कौन पुश करता है? श्रीमद् भागवतम जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें भगवान के रूप, गुण, नाम, सब चीजों का वर्णन है, तो वो सप्लाई करता है कि हरिनाम और ज्यादा से ज्यादा क्यों करें, या लोगों में हरिनाम का वितरण क्यों करें, तो वो उस पर बहुत फोकस करता है। तो ऑक्सीजन सप्लायर की तरह काम करते हैं। उसी प्रकार से जो श्री वैष्णवों के लिए अर्चा विग्रह पद्धति है, वो उनके लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है। वो अगर अर्चा विग्रह नहीं करते तो उनको लगता है कि उनके जीवन में कमी हो गया, वो रह नहीं सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में, वो रह ही नहीं सकते। और श्री वाल्मीकि रामायण जो है ना, वो उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई की तरह काम करता है। इसलिए चारों संप्रदाय मिला के अभी तक वैष्णव हिस्ट्री कब से आ रहा है? चारों संप्रदाय का शुरुआत श्री, मतलब भगवान ने स्वयं किया, श्री लक्ष्मी देवी को सबसे पहले, ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को और चारों कुमार को, तो ये अनंत काल से चला आ रहा है। लेकिन रामायण पे अभी तक केवल श्री वैष्णव रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य के प्रशिष्य ग्रैंड डिसाइपल हैं गोविंद राज जी, उन्होंने बस पूरे रामायण के एक एक सिंगल श्लोक पे उन्होंने कमेंट्री दिया है। तो वो हमारे लिए साधु वृंद में आते हैं,
या फिर रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी बृहद भागवत अमृता में या लघु भागवत अमृता में बताते हैं कि राम भगवान कृष्ण के बाद जो है वो भगवान रामचंद्र जो हैं वो सबसे ज्यादा, जैसे भगवान कृष्ण को माधुरी विग्रह कहा जाता है ना, तो भगवान रामचंद्र जो हैं वो उनके जस्ट, मतलब भगवान में सब्सटेंशियली कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे नरसिंह देव आए चाहे भगवान रामचंद्र आए, अगर वो चाहें तो वो अपने सब सारे के सारे गुण एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु क्या होता है वो चुनाव करते हैं, नहीं इस समय इस रूप में हमको बस इतने ही गुण प्रदर्शित करने हैं, इस रूप में हमको इतने ही गुण प्रदर्शित करने हैं। अगर आप पूछेंगे ऐसा चुनाव क्यों करते हैं, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, ये भगवान है, उनकी इच्छा है कि इस रूप में हमको बस इतना ही ये करना है, इस रूप में हमको इतना ही करना है। तो इसलिए तो भगवान कृष्ण के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई लीला, लीला जिसे भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम भी कहते हैं, भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम भी कहते हैं और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान राम जो है ना वो भगवान कृष्ण के बाद सबसे ज्यादा अगर लीला, जैसे भगवान राम लीला अवतार कहलाते हैं, त्रेता युग में जो युगा अवतार हैं श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कि वो रेड कलर के होते हैं, रक्त वर्ण के होते हैं, तो वो यज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को ही कहा जाता है, तो वो यज्ञ पुरुष है वस्तुतः। जैसे हर यज्ञ में एक डीटी आते हैं, मतलब एक आते हैं कुछ, जब जिनकी भी जो मनसा रहती है उसकी, उसको पूरा करने के लिए, जैसे दशरथ महाराज जब पुत्रेष्टि यज्ञ किए तो उनसे एक निकले थे खीर, एक मतलब बहुत ही दीप्तिमान पुरुष निकले वो खीर का पात्र लिए हुए दशरथ महाराज को देने के लिए। तो त्रेता युग के लिए वो है युगावतार, जैसे कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु है कि उस युग में क्या करना है। जैसे त्रेता युग के लिए क्या था, यज्ञ, फायर सेक्रीफाइस, जो अग्निहोत्र यज्ञ था, तो अग्निहोत्र यज्ञ के जो डीटी है वो युगावतार है। कलयुग के लिए क्या, हरिनाम, तो हरिनाम को किन्होंने ये किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रकाशित किया है, सब लोगों में पहुंचा है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु युगावतार है। तो उसी प्रकार से, और जब स्वयं भगवान स्वयं आते हैं, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है तो उनको हम युगावतार, लीला अवतार, क्योंकि लीला भी उन्होंने किया है तो सब बोल सकते हैं। तो जब स्वयं भगवान स्वयं आते हैं, जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण, तो उन्हीं के अंदर युगावतार, उन्हीं के अंदर लीला अवतार, उन्हीं के अंदर सारा चीज विद्यमान रहता है। तो भगवान राम जो है लीला अवतार के रूप में त्रेता युग में आए, और भगवान राम जो हम भगवद गीता के द्वारा सीखते हैं, भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं कि आप, तुम जो है हमारे ऊपर शरणागत हो जाओ, हमारी शरण ले लो और मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। उसी प्रकार से रामायण में भी हम लोग हर जगह देखेंगे कि रामायण में भी यही चीज कि जो शरणागति के जो 6 लक्षण हैं, श्री संप्रदाय के आचार्य गोविंद राज जो हैं उस पर उन्होंने बहुत विस्तृत व्याख्या की है कि हर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लेके, कि हम किसके ऊपर हम शरण, किसका शरण ले सकते हैं, किसका शरण नहीं लेना चाहिए और किस प्रकार से शरण लेना चाहिए। तो जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं वो सब उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। शैलपूर्ण जो रामानुजाचार्य के गुरु थे वस्तुतः, तो उन्होंने उनको 18 शिक्षाएं दी रामायण के ऊपर, तो उसी को उन्होंने सारबद्ध किया है। तो भी हम लोग कुछ आगे आने वाले दिनों में हम लोग वो भी देखेंगे कि वो क्या है। तो इस प्रकार से रामायण जो है ना वस्तुतः, वो खास करके अभी वर्तमान, जैसे भगवत गीता को कितने लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया है ना, जिनको जो आए उस तरीके से उन्होंने उसको इंटरप्रेट करके बोल दिया है कि भगवत गीता में भगवान ये कहना चाहते हैं, भगवान ये कहना चाहते हैं, भगवान, उसी प्रकार से रामायण का भी उसी तरीके से अब्यूज किया गया है, रामायण को भी उसी तरीके से मिसयूज किया गया है वस्तुतः, दुरुपयोग किया गया है जिस प्रकार से भगवत गीता का दुरुपयोग किया गया है। क्योंकि रामायण भी बहुत ही प्रसिद्ध और लोक प्रचलित यह है, तो जिस प्रकार से भगवद गीता को मिसयूज किए हैं, अब्यूज किया गया है, अलग अलग लोगों ने अब्यूज किया है भगवद गीता का, है ना, कि अपने मन से उसकी व्याख्या कर दी है। भगवान जैसे बताते हैं भगवद गीता में अर्जुन को कि भक्तो असि सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता की भूमिका में बताते हैं कि भगवद गीता वस्तुतः कौन समझ सकता है, जिस प्रकार से अर्जुन ने समझा था, कैसे, इसके लिए पहले भगवान का भक्त बनना पड़ेगा तभी आप भगवद गीता समझ सकते हैं। उसी प्रकार से राम भगवान जो हैं वो अलग अलग जगह पे ये हमेशा बताते हैं, पहले तुम मेरी भक्त बनो तभी तुम मुझे समझ सकते हो,
कि मैं कौन हूँ, और तभी मैं तुम, मतलब अगर तुम मेरी मेरी शरण लेते हो तो मैं तुम्हारी सब सब पापों से, हर चीज से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ये चीज आती है। तो भगवान राम ये चीज वस्तुतः उन्होंने स्वयं दिखाया कि जब अयोध्या में थे, अयोध्या वासियों में उन्होंने सीधा उन्होंने डिक्लेरेशन दिया, ऐसा ऐसा उनकी घोषणा थी। वस्तुतः उन्होंने दिखाया कि जब वो ये अपने भौम लीला से वह पुनः अपने अयोध्या धाम, साकेत धाम जा रहे थे, तो जितने भी अयोध्या वासी थे उनके साथ, वे भी सरयू नदी में उनके साथ चले गए। तो सबके सब उन्होंने सबको साथ में लेके, सबको साथ में लेके वो साकेत धाम गए। जटायु को, जब जटायु उनके लिए, जब जटायु प्राण, जटायु गिद्ध था, वो मनुष्य नहीं था, लेकिन फिर भी जब उनके लिए जटायु ने अपना प्राण न्यौछावर किया, जटायु सीता देवी जटायु को बोल रही हैं कि तुम मत जटायु, आप मत आइए, आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं, आप मर जाएंगे, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं, आप बस जाके भगवान राम को बता दीजिए कि रावण ने मेरा अपहरण कर लिया है। फिर भी जटायु बोले, नहीं, पहले मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी रक्षा करूं, उसके बाद मैं तब तक जिंदा रह लूंगा जब तक वो हमसे आके मिले नहीं, उसके बाद मैं उनको बताऊंगा, तब मैं मरूंगा। तो इस तरीके से जब, तो जटायु के पास जब भगवान राम आए तो उनके इस, उनकी जो ये प्रवृत्ति थी उनसे वो बहुत खुश हुए, और जटायु को बोले, मैं तुमको शुद्ध कर रहा हूँ, तुम अब मेरे लोक जाके आराम से रहो। सीधा उसको, सीधा जटायु को आश्वासन दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं भगवान राम कि अब तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम मेरे लोक जाओ, वहाँ पे तुम रहो। तो उसी प्रकार से बहुत सारे एकेडमिक स्कॉलर्स जो हैं वो बोलते हैं कि उत्तरकांड जो है हो ही नहीं सकता है कि वाल्मीकि जी लिखे हैं, क्योंकि जब तक, जैसे भगवान जब लीला कर रहे होते हैं तो एक मनुष्य की तरह कार्य करते हैं, तो उनकी लीला का जब वर्णन कर रहे होते हैं तो उसी की तरह वाल्मीकि जी कर रहे हैं, या फिर जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण की लीला है, जो सब सुखदेव गोसाई बोल रहे हैं, तो उसी तरीके से बताते हैं कि भगवान कृष्ण को रथ पर वृंदावन से मथुरा लाया गया, फिर वहां पे उनकी लड़ाई हुई। एक इंसान जो मनुष्य होता है, मनुष्य जिस तरीके से कार्य करता है उस तरीके से कार्य करते हैं, तो जो उनका लीला वर्णन होता है उसी प्रकार से किया जाता है, ताकि मनुष्य जो उनको सुने, जो बद्ध जीव है, जो मुक्त आत्मा है, जो सिद्ध आत्मा है, वो तो उनका आस्वादन करते हैं, लेकिन जो बद्ध जीव है वो क्या होता है कि जब उसका श्रवण करते हैं ना, तो उससे रिलेट कर पाते हैं अपने आप को, और जब रिलेट कर पाते हैं, उनसे संबंध उनका जुड़ पाता है, तो भगवान के तत्व, भगवान जो शिक्षा देना चाहते हैं, भगवान से जो उनका प्रेम संबंध है, जो संबंध है वो ज्यादा बन पाता है। तो इसलिए वाल्मीकि मुनि जैसे सेकेंड कैंटो से लेके सिक्स्थ कैंटो तक एज अ ह्यूमन बीइंग उनको वर्णन कर रहे हैं। बीच बीच में हर जगह, हर कैंटो में हम लोग आएंगे, जब गोविंद राज जी का ये पढ़ेंगे विस्तृत 18 से शिक्षा की, भगवान राम हर कैंटो में कैसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड दिखाए गए हैं। बट लोगों को लगता है कि अरे वो तो इंसान की तरह इतने में किया, सातवें अध्याय में डायरेक्टली ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको भगवान बता रहे हैं और फिर भगवत प्रेम की बात कर रहे हैं कि उनके साथ, मतलब उनकी अगर हम आराधना करते हैं, उनकी अगर हम लीला श्रवण करते हैं, अगर उनके नाम का कीर्तन करते हैं तो हमको भगवत प्रेम मिल जाएगा। तो बहुत सारे एकेडमिक स्कॉलर, इवन दो फर्स्ट कैंटो के लिए भी उनको समस्या होती है, क्योंकि चौथे अध्याय में ही वो देखते हैं कि पूरे जितने भी डेमी गॉड्स हैं, मतलब देवतागण हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि रावण बहुत आतताई है, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया है कि हम लोग उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, और इस कारण जो है सबको बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, तो आपको ही आना होगा हमारी रक्षा के लिए। तो उनमें भी उनको डाउट होता है कि, क्योंकि सेकेंड पांच कैंटो में वो कभी ऐसा चर्चा इस तरीके से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहे हैं कि वो भगवान है। अब देखिए इसके पीछे भी एक कारण है कि एक ये है, जैसे श्रीमद् भागवतम जो है प्रमाणतम शास्त्र है, तो जब हम लोग इतिहास, रामायण एक इतिहास है और साथ ही साथ काव्य है, तो काव्य में वैदिक स्क्रिप्चर्स में चीजों को तीन तरीके से बताया जाता है। पहला चीज जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एज ए टीचर उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जिसे वेदों में नाम लेते, सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, तो ये स्ट्रेट एज ए टीचर बोला जाता है ना, एज ए मास्टर, प्रभु, प्रभु की तरह, मतलब आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। उसके बाद जो है पुराण आदि वगैरह जो हैं वो आपको, पुराण एक्चुअली बस
इसी दोस्त की तरह नहीं, और भी खासकर के श्रीमद् भागवतम में तीनों तरीके से बात करते हैं। श्रीमद् भागवतम एक अलग लेवल पर ही है। जीव गोस्वामी अपने तत्व संदर्भ में उन भागवतम को स्थापित करते हैं प्रमाणतम शास्त्र के रूप में। वो अलग लेवल पे हैं, वो हर पुराण हर वेद हर इतिहास से अलग लेवल पे हैं। तो और एक दूसरे तरीके से बात करते एक दोस्त की तरह, जिससे हम जब दोस्त के साथ रहते हैं तो दोस्त जो है कभी कभार पॉइंट आउट कर देता है कि ये गलत कर रहा है ना, सीधा बता देता है इस तरीके से करना चाहिए। कभी कभार वो हाँ ठीक है, मतलब उस तरीके से वो समझ जाएगा, वो बस इशारा कर देता है उस तरीके से। और काव्य जो है ना, नॉर्मल काव्य भी, जिस महाकाव्य या फिर जो भगवान के ऊपर लिखा गया काव्य है वो नहीं, नॉर्मल काव्य भी, उसका काव्य की एक शैली ही होती है कि वो एक प्रेमिका या पत्नी की तरीके से बात करते हैं, गुही रूप से। आपको ये नहीं बोलेगा कि जैसे पत्नी और पति में कैसे बात होती है, किचन क्लीन करवाना है तो ऐसे नहीं बोलेगा कि आप जाइए और किचन क्लीन कर दीजिए। आजकल जो भी हो, वैदिक समझे एक धार्मिक पत्नी और एक धार्मिक पति के बीच में कैसा होता था, उनको इनडायरेक्टली बोलते थे। देखिए ना, मतलब किचन में शायद अगर उनको जैसे कुछ लाना है तो ये खत्म हो गया, पता नहीं आज इस चीज की सब्जी नहीं बन पाएगी, अब क्या कहते हैं, तो वो समझ जाते थे कि हमको ये चीज लाना है। तो इस तरीके से अपरोक्ष रूप से बात करते हैं। तो जब भी हम रामायण या महाभारत इतिहास या काव्य को जब हम ये पढ़ते हैं, काव्य को जब ये सुनना चाहते हैं, तो हम लोगों को पुराणों की तरफ से जाना पड़ेगा। पुराण में इसका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से किया गया, व्यासदेव खास करके इसलिए मैं बोल रहा था कैसे ही फुल स्क्रीन शेयर कहां से होगा, स्टॉप शेयरिंग। तो इसलिए हम मतलब ये बताना चाह रहे थे कि रामायण एक काव्य है, तो हर जगह वाल्मीकि जो हैं वो इस तरीके से उन्होंने बात नहीं किया है कि भगवान जो हैं वो भगवान राम जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो वो एज अ प्रेमिका अपरोक्ष रूप में बात करते हैं। तो जब उन चीज़ों को हमें समझना होगा तो विशेषतः हमको श्रीमद् भागवत पुराण का सहयोग लेना पड़ेगा कि श्रीमद् भागवत पुराण उस चीज़ों को किस तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। और जीव गोस्वामी इस चीज़ को पहले ही स्थापित कर चुके हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण प्रमाणतम शास्त्र है, उसमें जो चीज़ कहा गया है वही सर्व सिद्ध है, उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है श्रीमद् भागवत पुराण। और नॉर्मली भी जैसे हम लोग जब रामायण में बहुत सारे कंट्रोवर्सी देख लेते हैं कि सीता हरण हुआ, तो कुर्म पुराण चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे तो एक ब्राह्मण, एक बहुत ही फेमस लीला है कि ब्राह्मण बहुत विचलित था, एक ब्राह्मण भगवान राम का भक्त था, कि रावण इतना दुराचारी मनुष्य राक्षस, वो सीता देवी जो कि भगवान की योग माया है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उनमें हाथ कैसे लगा सकता है, बहुत विचलित था। तो जब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले, वस्तुतः उन्होंने उनको भोजन के लिए बुलाया था अपने घर पे, तो ये चीज जान के चैतन्य महाप्रभु को बहुत खुशी हुई कि ये इस चीज में है। तो भगवान उनके कष्ट को, उनकी चिंता को दूर करने के लिए वो पास में जब गए चैतन्य महाप्रभु, तो एक मंदिर में एक कुर्म पुराण का एक प्रति मिला उनको, तो उसमें से उन्होंने उनको दिखाया कि देखो वस्तुतः ओरिजिनल सीता नहीं थी, वो वास्तविक सीता नहीं थी, वो वस्तुतः एक छाया सीता थी। तो इसलिए जब हम इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, चाहे महाभारत हो, लोग जो है महाभारत को भी बाहर में पढ़ के महाभारत ये वो गलत मीनिंग निकालते हैं, कुछ भी निकाल लेते हैं मीनिंग, तो जब हम पढ़ते हैं तो उसके वास्तविक समझ के लिए वस्तुतः हमें पुराण का सहयोग लेना पड़ेगा। व्यासदेव जानते थे, व्यासदेव जो है द्वापर युग के बाद सारी चीजों का संकलन किए, वेद को उन्होंने रिटर्न फॉर्म में दे दिया, पुराणों को उन्होंने लिखा, इतिहास पुराण भी एक तरीके का इतिहास है, लेकिन उनको उन्होंने ज्यादा क्लियर स्पष्ट रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया है, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग के जो लोग हैं ना उसको समझ में नहीं आएगा ये चीजें, अगर मैं उसको स्पष्ट रूप में नहीं रखूं, अस्पष्टता नहीं बताऊं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पुराण ज्यादा स्पष्ट है। तो जब हम पढ़ते हैं कोई भी इतिहास तो हमको पुराणों के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा कि पुराण में उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और खास करके श्रीमद् भागवतम में किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम में भी जब सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन करते हैं अलग अलग चीजों का कि राम कथा का खास करके, तो हम लोग उस चीजों पे भी
अभी हम चर्चा करेंगे जैसे श्रीमद् भागवत में रामलीला को किस तरीके से वर्णन किया गया है। प्रभुपाद बहुत जगह जैसे पंचम अध्याय स्कंद में, फिर नवम अध्याय स्कंद में आता है ये रामलीला के बारे में। तो प्रभुपाद वहाँ पे बार बार दो चीजों को बहुत पॉइंट करते हैं कि भगवान राम ने अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया है। वस्तुतः ये सुखदेव गोस्वामी का प्रत्यक्ष रूप से सुखदेव गोस्वामी ये बोल रहे हैं, तो क्योंकि अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया है। एक नॉर्मल इंसान जो है ऐसा शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता है जिस प्रकार से सुखदेव भगवान रामचंद्र ने किया है, तो इसलिए वो भगवान होते हैं। और दूसरा उन्होंने ये चीज शिला प्रभुपाद ने उस पर बहुत फोकस किया कि भले भगवान भगवान है लेकिन उन्होंने लोगों को सिखाने के लिए ये बताया कि जब हम एक जीवन जी रहे होते हैं, भौतिक जीवन जी रहे होते हैं, तो उसमें कितनी सारी समस्याएं आ सकती हैं। उस चीजों को उन्होंने उस दो चीजों पे श्रील प्रभुपाद ने भागवतम में अपने तात्पर्यों में बहुत फोकस किया है। तो उसी चीज को पहले हम लोग जब तो हम लोग ओरिजिनल रामलीला शुरू करने से पहले कि हम लोग देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम रामलीला पे क्या कहता है, उसके बाद हम लोग जाएंगे। क्योंकि हमने अभी अभी ये चीज देखा है कि इतिहास या काव्य जो है ना वो प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीजें नहीं कहती है, लेकिन हम लोग कलयुग के इंसान हैं, हर चीजों को नहीं समझ सकते। अब देखिए कृष्णा बुक में आप देखे होंगे प्रेयर्स बाय पर्सनिफाइड वेदाज, तो वेद जो है किस तरीके से प्रेयर्स कर रहे हैं समझ में नहीं आता। वेद ये क्या बोल रहे हैं, भगवान को किस तरीके से बोल रहे हैं, इतना टिपिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इतना टिपिकल कि बहुत मतलब समझ में नहीं आता है ना। तो वैसे ही इतिहास के पुराण के जस्ट बाद जो है ना इतिहास का ये स्थान है, इसे पुराण बोलता हूँ मैं, वेदों के जस्ट बाद, क्योंकि इतिहास भी जो है ना बहुत ही गूढ़ भाषा में कभी कभार बात करते हैं, तो इसलिए पुराण उसको ज्यादा एलोबरेट ज्यादा स्पष्ट वे में बात करता है। उसमें भी श्रीमद् भागवतम जो भागवत पुराण है वो प्रमाणतम शास्त्र है। तो भागवत पुराण भगवान राम के बारे में या रामायण के बारे में क्या कहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले वो देखेंगे और उस पर जो हमारी समझ आएगी, जो हम उससे समझ सकते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी हम लोग उससे अचीव करेंगे, उसके आधार पे फिर हम लोग राम राम कथा या रामलीला में प्रवेश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रामलीला पर श्रीमद् भागवतम क्या कहते हैं। तो प्रथम स्कंद के तृतीय श्लोक के वाइस में, तृतीय चैप्टर के वाइस में, तृतीय अध्याय के वाइस में श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि 18वें अवतार के रूप में भगवान जो है राम भगवान के रूप में अवतार अवतरित लिए, जो कि एक किंग थे। और वो क्यों अवतरित लिए, कि देवताओं का जो मन भावन कार्य था, रावण सबको परेशान कर रहा था, तो देवताओं का कार्य था, मतलब देवताओं की इच्छा थी कि रावण का वध हो, ताकि क्योंकि देवता जो है वो भगवान के द्वारा अपॉइंटेड नियुक्त किए हुए हैं कि उन लोगों को ये मटेरियल क्रिएशन जो चल रहा है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ है, विभाग बटा हुआ है, उसका देखभाल करना होता है। तो जब रावण था यहाँ पर तो उसकी अगर इच्छा होती, रावण के डर से समंदर में लहरें नहीं आती थी। अब अगर समंदर में लहर ही नहीं आई समुद्र में, समुद्र किस चीज़ का, लहर जब उठती है तो फिर हवा चलता है, फिर बादल बनता है, बादल से बारिश होती है, तो रावण की इच्छा से सब चीज़ होता था। जब वो बाहर जाता था रावण, तो सूरज उसके डर से एकदम माइल्ड हो जाता था। अब पौधों को भी चाहिए सूरज का प्रकाश, ताकि वो जो भी हमारे साइंस के हिसाब से फोटोसिंथेसिस करता है, ये करता है, वो करता है। तो रावण के डर से देवतागण जो है कुछ भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे सही तरीके से। रावण की जो इच्छा होती वही होता, जैसे हिरण्यकश्यपु नरसिंह लीला में हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने सारा चीज कंट्रोल करके रखा था, सूर्य को, धरती को, धरती फसल फसल के बदले धरती डर से जो है रत्न दिया करती थी। तो इसी प्रकार से वो रावण भी बहुत आततायी था, तो देवतागण चाहते थे कि उसका वध हो। तो जब वो भगवान ब्रह्मा जी से जब रावण जो है वर मांगा ना, तो उसने मनुष्यों को निरादर मतलब बहुत ही तिरस्कार की दृष्टि से देखा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, जब देवता नहीं बिगाड़ सकते, यक्ष नहीं बिगाड़ सकते, राक्षस नहीं बिगाड़ सकते, असुर नहीं बिगाड़ सकते, तो मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। तो इसलिए क्या हुआ, तो लेकिन वो मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। तो जब ब्रह्मा जी के पास पहले सारे देवतागण गए, ब्रह्मा जी आपने ये क्या वरदान दे दिया है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं आपने के, तो ब्रह्मा जी सोचे, बोले रावण अपने अहंकार में एक काम किया है, क्या किया है अहंकार में, कि उसने मनुष्य को बहुत ही तिरस्कृत दृष्टि से देखा है। तो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं, उनसे हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, देवताओं को अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले वो शिव के पास या ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उसके बाद
वो भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम उन्होंने ही क्रिएट किया है, उन्होंने ही भर दिया, तो वो लोग फिर भगवान के ऊपर सरेंडर हो जाते हैं। तो हम लोग वो भी देखेंगे, अगर हम लोग भगवान के ऊपर सरेंडर हो जाएंगे तो भगवान उससे एक्चुअली ज्यादा उद्दत रहते हैं, ज्यादा चाहते हैं। हम अभी रामायण में देखेंगे, देवता लोग विष्णु लोग पहुंचे भी नहीं, क्षीर सागर के पास पहुंचे भी नहीं थे, बस वो लोग यज्ञ देखने के लिए, दशरथ महाराज के यज्ञ देखने के लिए उपस्थित हुए थे, वहीं पे चर्चा कर रहे थे। और भगवान विष्णु इतने उद्दत थे उनकी सेवा करने के लिए, इतने उद्दत थे कि वो बिना पहुंचे हुए, बस उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि हम लोग को विष्णु के पास जाना होगा, और वो तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत प्रकट हो गए। मतलब उन लोगों को वहां जाना भी नहीं पड़ा, तुरंत प्रकट हो गए। तो भगवान हमारी सहायता करने के लिए हमेशा इतने उद्दत रहते हैं, इतने तैयार रहते हैं हमेशा, कि अगर हम लोग एक, जैसे एक बहुत ही, मतलब ये कहा जाता है ना कि अगर हम लोग एक कदम लेंगे तो भगवान 100 कदम लेंगे, तो वही चीज है। भगवान इतने उद्यत रहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हम बस ने भगवान को याद किए तो भगवान हमारी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। तो हम, यही चीज है। तो अभी हम लोग जैसे भागवतम से देख रहे थे, तो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि महासागर को बस में करते हुए समुद्र पार करना किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन भगवान राम क्या किए, भगवान राम को उसमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, वस्तु था जो उनके पार्षद गण थे, जो वानर थे अलग अलग, उन्होंने उस पर पुल बांध दिया, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो बस वहां पे बैठे थे और उन्होंने ही पुल बांध दिया। तो ये बहुत ही अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने किया। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, मैं एज इट इज पढ़ रहा हूँ, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकश्यपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक ऐसे लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित करने की व्यवस्था के प्रति, जिसे वो प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती है, लेकिन भौतिक साधनों के द्वारा हम लोग अलग अलग लोक में विमान से जाना चाहते हैं, है ना, और भगवान की आचार संहिता के अगेंस्ट जाते हैं, उसके विरुद्ध जाते हैं, तो थोड़ी सी सफलता हुई नहीं हम लोग, बहुत जैसे वो बताना चाह रहे हैं कि भौतिक प्रगति में हम थोड़ी सी सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, हम लोग सोचते हैं ईश्वर तो कुछ नहीं है, हम ये चीज कर सकते हैं, भगवान कहां से आ गया, हम ही कर सकते हैं, तो ईश्वर विहीन हो जाती है सभ्यता। तो उस समय भगवान जो है, जैसे कि वो खुद भगवान भगवद गीता में भी 4.8 में कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जिस समय ईश्वर विहीन सभ्यता होने लगती है तो भगवान आते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि उस समय वस्तुतः क्या हुआ कि रावण के कारण पूरा जो पृथ्वी लोक, जो भूलोक था, वो ईश्वर विहीन, भगवत चेतना विहीन हो गया था। तो उसको दंड देने के लिए भगवान स्वयं आए। अब फिर तो श्रीमद् भागवतम जो है भगवान की अलौकिकता स्थापित करता है और उस चीज को प्रमाणित करता है कि भगवान क्यों आते हैं दंड देने के लिए। जब यहाँ पे जो भौतिक शक्ति के प्रभाव में आकर हम ये सोचने लगते हैं कि ईश्वर तो है ही नहीं या ऐसा नहीं है, तो आते हैं। और केवल यही कारण नहीं, सुखदेव गोस्वामी आगे भी बोलते हैं दूसरे स्कंद में क्या बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहित कृपा करने के लिए परम पुरुषोत्तम भगवान जो हैं इक्ष्वाकु महाराज के कुल में अपनी अंतरंग शक्ति सीता जी के साथ प्रकट हुए थे। तो उनका एक ये भी रहता है कि जो जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, उन पे अहित कृपा, क्योंकि हम लोग इतने कैपेबल, इतने समर्थ नहीं है कि भगवान सीधा हमारे ऊपर, हम लोग कितना भी कुछ कर लें, हम लोग इतना नहीं है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकते, वो उनकी अहेतु कृपा होती है कि हमारे ऊपर, या किसी वैष्णव, जब वैष्णव या जो आचार्य वृंद हमारे लिए उनके पास प्रार्थना करते हैं, हम लोग रामायण में बहुत ही एलोबरेटली वर्णन है कि एक मध्यस्थ का क्या काम होता है, मध्यस्थ हमारे और भगवान के बीच में किस तरीके से काम करते हैं, तो वो देखेंगे। तो भगवान अहेतु कृपा है, वो हमारे ऊपर बिना किसी कारण के कृपा करते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनकी कुछ सेवा कर रहे हैं या हम उनकी पूजा कर रहे हैं इसलिए वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, वो बस अहेतु कृपा करते हैं, ठीक है, वो अहेतु कृपा करते हैं। तो इसलिए भगवान राम यहाँ पे आए थे अहेतु कृपा करने के लिए, जब वो अलग अलग लोगों से मिले,
निषाद राजगुरु से, सबरी से बन गए, अलग अलग ऋषि मुनियों से मिले, या फिर अलग अलग लोग पहुंच गए भगवान राम अपनी लीला में, बहुत सारे जगहों पे भ्रमण किया, पूरे भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, समुद्र पार करते हुए लंका, तो बहुत सारे लोगों से मिले, तो सब पे उन्होंने हेतु कृपा किया है। तो श्रीमद् भागवतम उनको स्पष्ट रूप से परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्थापित करता है। और ये चीजें जो है परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जो श्रीमद् भागवतम स्थापित करता है, वो सुखदेव गोस्वामी बार बार ये इस चीज पे बहुत फोकस करते हैं कि वो ऐसा कोई एक साधारण इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता है। अब हम लोग बस एक और चीज देखेंगे कि हम लोग कभी कभार ये गलती कर देते हैं कि चलो ठीक है भगवान राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, तो हम लोग कभी कभार ये सोचने लगते हैं कि भगवान का कोई एक रूप निम्न है, भगवान का कोई एक रूप उच्च है, ऐसा ऐसा हम लोग को नहीं सोचना चाहिए। सब्सटेंशियली जो हम भौतिक भाव में अगर ऐसा सोचने लगे कि भगवान का कोई रूप जो है निम्न है और भगवान का कोई रूप जो है वो विशेष है, तो ऐसा नहीं है। वो भगवान खुद जैसे एक ओरिजिनल है भगवान कृष्ण, अब अगर एक ओरिजिनल मोमबत्ती से बहुत सारी जगह मोमबत्तियां जला दी जाए तो हमको पता चलेगा कि कौन ओरिजिनल मोमबत्ती है, तो वो ओरिजिनल कृष्ण है। लेकिन भगवान के जितने भी अवतार हैं वो अपने आप में पूर्ण है, कोई भी अपूर्ण अवतार नहीं है। कोई पूर्णतर हो सकता है, पूर्णतम हो सकता है, लेकिन कोई अपूर्ण अवतार नहीं है। और बलदेव विद्याभूषण बहुत जगह इस चीज को स्थापित करते हैं कि वस्तुतः भगवान का कोई भी अवतार, किसी भी अवतार का कोई भी काम कर सकता है, लेकिन वो चुनाव करते हैं कि नहीं हमको एक पर्टिकुलर गुण ही प्रदर्शित करना है। और ब्रह्मा जी जो है ये ब्रह्म संहिता में वो बताते भी हैं, रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठा नाना अवतार न क्रोध भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं सम भवत प्रमह पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ये सब भगवान के कला रूप हैं, श्री राम, नृसिंहदेव, बामन, परशुराम, अलग अलग जो है ना भगवान के, वो सब भगवान के कला रूप हैं, वो सब गोविंद स्वयं है, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, तो अलग अलग रूपों में वो है यहाँ पे, तो उनमें कोई पार्थक्य नहीं है। अगर हम भौतिक दृष्टि से कोई पार्थक्य नहीं है, सब्सटेंशियली कोई पार्थक्य नहीं है, तो यही है, बस ये है कि भगवान एक पर्टिकुलर लीला में एक चीज, उस चीज को प्रदर्शित करने का ये, उस गुण को बस ये करते हैं। जैसे जब भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं तो लीला प्रधान रहते हैं, जब भगवान राम के रूप में आते हैं तो मर्यादा प्रधान रहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो प्रेम प्रधान रहते हैं, औदार्य प्रधान रहते हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुष भी कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको, भगवान को, भगवान राम को, और कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है अलग अलग लीलाओं में, अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य करते हैं। तो भगवान की जो भी लीलाएं हैं, क्योंकि वाल्मीकि मुनि जो थे वो नारद मुनि के द्वारा सारा चीज वाल्मीकि मुनि को बताया गया कि ये करना है, ऐसा तुमको लिखना है, इस तरीके से करना है। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं आए थे कि देखो, उनको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, हम लोग आगे देखेंगे क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि तुमको किस तरीके से लिखना है। और वाल्मीकि मुनि समाधि में, वाल्मीकि मुनि स्वयं जो है उस रामलीला के भी पार्ट है, क्योंकि सीता देवी को जब वनवास, बाद में अयोध्या आने के बाद पुनः वनवास हुआ था, तो वाल्मीकि मुनि के ही आश्रम में सीता देवी रह रही थी, तो वो स्वयं जो है रामलीला की पार्ट है, तो वो रामलीला को देख पा रहे थे समाधि में। जैसे ऋषि मुनि जो है वो देख सकते हैं समाधि में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, उनको त्रिकालज्ञ कहा जाता है, तीनों काल में भविष्य में क्या होगा, अभी क्या चल रहा है और पास्ट में क्या होगा, सब वो देख सकते हैं। जस्ट देख सकते हैं ऐसा नहीं, इसमें इस तरीके से वर्णन किया गया है, वाल्मीकि मुनि स्वयं वर्णन कर रहे हैं किस तरीके से वो देख रहे थे रामलीला, जैसे उनके हाथ पे जो है ना कोई एक बीटल नट रख दिया गया, अगर आपके हाथ पे बीटल नट रख दिया जाए तो आप पूरे तरीके से देख सकते हैं बीटल नट के पीछे क्या है, आगे क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है ना। तो उसी प्रकार से वो भगवान राम की निजी, मतलब भगवान राम और सीता के बीच में निजी रूप से क्या बातें हो रही है, पब्लिकली भगवान राम क्या बोल रहे हैं, भगवान राम और लक्ष्मण में निजी, भगवान राम और भरत में निजी रूप से क्या बातें हो रही है, किस तरीके से दोनों एक्ट कर रहे हैं, सारा चीज वो देख सकते थे। क्योंकि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, जिनको अलाउ कर सकते हैं, जिनको भगवान अलाउ करते हैं केवल वही देख सकता है, हर कोई देख नहीं सकता। तो वाल्मीकि मुनि कृपावश, करुणावश जो है ये चीज हम लोगों को भी प्रदान की है कि देखो भगवान राम अपने अंतरंग जीवन में किस तरीके से रह रहे हैं, अपने पब्लिक जीवन में किस तरीके से बात कर, पब्लिक जीवन में तो पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक भी देख सकता है, लेकिन अंतरंग जो
उनके और भरत महाराज के भरत के बीच, उनके और शत्रुघ्न के बीच, उनके और दशरथ महाराज के बीच, उनके और कौशल्या के बीच क्या लीलाएं चल रही है, हम लोग वो चीज नहीं जान सकते हैं। तो जब हम लोग जानते हैं तो धीरे धीरे उनमें बहुत ही आसक्ति बढ़ती है। अच्छा, भगवान इस तरीके से अपने भक्तों के साथ प्रेम करते हैं, भगवान अपने जो भक्त उनके सखा के रूप में रहते हैं उनके साथ इस तरीके से प्रेम करते हैं, जो उनके दास के रूप में रहते हैं इस तरीके से प्रेम, तो हमारी एक आसक्ति बढ़ती है, उनके साथ प्रेम संबंध बढ़ता है। तो इसलिए वाल्मीकि मुनि जो है इस तरीके से पूरा वर्णन किया उन्होंने। हालांकि ये जो वाल्मीकि रामायण है वो बस एक सारांश है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो रामायण लिखा है वो सत कोटि मतलब 100 करोड़ वर्सेस में है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मृत्यु लोक में हैं तो हम लोग तो उतना कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए वाल्मीकि मुनि जो है उसको सारबद्ध करके उन्होंने प्रेजेंट किया है यहाँ पर। तो मैं यहीं पे इस चीज को अपनी मतलब भगवान राम के बारे में जो मैं कह सकता था आज के सेशन के बारे में, तो मैं ये पर विराम देता हूँ। और अगर किन्हीं को कोई प्रश्न है या फिर कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद, आप इतना अच्छा समझाया, आप लोग आपने इतना समझाया। एक मेरा प्रश्न रह गया था तो थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। जैसे आपने बताया कि जब भगवान के अंश, जो भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं उनको हम लोग जब देखते हैं तो वो अपराध होता है, मैंने भी सुना है कि ये भागवत अपराध है। हाँ। तो क्या शक्तावेश अवतार को भी इक्वली देखना है क्या? देखिए भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज बताते हैं, जब हम लोग शक्तावेश अवतार को देखते हैं तो हम उसका क्या उस जीव को देख रहे हैं, नहीं ना, हम उसमें विष्णु तत्व के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जीव जो कुछ भी करता है शक्तावेश अवतार में वो किसके माध्यम से कर रहा है, भगवान विष्णु के माध्यम से कर रहा है। जब परशुराम जी आए थे, जैसे वो शक्तावेश अवतार है तो उन्होंने क्षत्रियों का वध किया पूरा, एक जीव ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो हम लोग जब शक्तावेश अवतार की बात करते हैं, शक्तावेश अवतार की अगर पूजा की बात कर रहे हैं, परशुराम का याद आता है, तो हम लोग उनमें विष्णु तत्व के बारे में सोच रहे हैं। तो उस तरीके से हम लोग विष्णु तत्व के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम लोग परशुराम की पूजा करते हैं इसका मतलब जो जीव है, जो परशुराम जीव है उसके बारे में उनकी हम पूजा नहीं कर रहे, जो विष्णु तत्व है उनमें, जो विष्णु है उनकी हम पूजा कर रहे होते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी लघु भागवत अमृता में कहते हैं कि जितने भी शक्तावेश अवतार हैं, मतलब जो हर जो प्रोमिनेंट शक्तावेश अवतार हैं उनका भी जो है लोक है, वैकुंठ लोक में उनका भी लोक है। तो हम लोग उस तरीके से उनको देखते हैं, विष्णु के ही रूप में देखते हैं। ऑफकोर्स सब्सटेंशियली सब सेम है, लेकिन जब हम लोग आध्यात्मिक स्तर पर जस्ट पूरा कैटेगोरी मतलब, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे रहते हैं तो हम लोग हर चीज़ों को टाइम स्पेस और कैटेगरी इन सब चीज़ों में समझ सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि कैसे वहाँ पे स्पिरिचुअल में इटर्नली प्रेजेंट रहता है, फिर भी यशोदा मैया कृष्ण को अगर बोलती है खाना खाने के लिए, बोलती है नहीं मैं नहीं अभी नहीं, एक घंटे के बाद आऊँगा, एक घंटे के बाद मैं खाऊँगा, तो जबकि वहाँ तो कहा जाता है कि इटर्नली प्रेजेंट है। तो इस ऐसा कैसे होता है, वहाँ भी तो समय है। तो ऐसा हम लोग क्योंकि यहाँ पे इतने दिनों से हैं तो इस तरीके से सोचते हैं। तो इसलिए जो है सब्सटेंशियली सेम है, लेकिन जस्ट एक कैटेगरी ये करने के लिए कि एक स्वयं रूप है और एक फिर उनके प्लेनरी पोर्शन है। प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया है, प्लेनरी पोर्शन। अब प्रभुपाद जी का यूज कर देखेंगे प्लेनरी, प्लेनरी का अगर संस्कृत या हिंदी देखेंगे तो उसका क्या मीनिंग होता है, पूर्ण, पूर्णांश बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे अर्धांश या चतुर्थांश या पादांश, वो बोलते हैं पूर्णांश, प्लेनरी पोर्शन। तो हम लोग जब शक्तावेश अवतार को भी देखते हैं तो हम लोग उनमें विष्णु तत्व को वस्तुता देखते हैं। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से ही उनको ये करना चाहिए कि अगर विष्णु चाहे तो उस जीव को एम्पावर, फिर भी शक्तावेश से जीव को एम्पावर किया जाता है, ये चीज हमें क्लियर है। बट हम लोग उसमें विष्णु तत्व को या पूजा जब करते हैं तो विष्णु तत्व को देखते हैं। तो देखने का मतलब अगर हम लोग स्पिरिचुअली देखेंगे तो उसमें वो सारा काम विष्णु कर रहे हैं। अगर विष्णु अगर चाहे तो जीव को उस तरीके से भी एलिजिबल कर सकते हैं कि वो काम कर सके, अगर विष्णु चाहे तो उस चीज एक पर्टिकुलर चीज के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको देखना है, मतलब माइंड में ये रखना है कि वो जीव है लेकिन भगवान पीछे एक वर्क कर रहे हैं, ऐसा देखना है। हाँ, मतलब एक्चुअली उसमें वो जो जीव है, जो केवल जीव नहीं, जीव में एक सुपर सोल और एक सोल है, और एक्चुअली भगवान जो है वो स्वयं उसको केवल शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, वो उनके शरीर में स्वयं आके उस चीज को ये करवाते हैं, उस कार्य को करते हैं शक्तावेश अवतार, इसलिए उनको कहा जाता है। लेकिन मैंने एक जगह सही सुना था, जैसे ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि भगवान का ऐसा तेज ऐसा है कि वो कोई सामान्य जीव में समाहित नहीं हो सकते, वो सामान्य
जो बॉडी है हाँ। मतलब मान लीजिए पंचभूत वैसा में तो नहीं हो सकते शायद हमारे तो अगर किसी आत्मा रहते हैं नहीं जैसे एक्टिवली जैसे बोल रहे हैं कि एक्टिवली वर्क करना हाँ। जैसे देवताओं का ही बॉडी देवता हमारे बॉडी में आवेश नहीं हो सकते ऐसा मैंने सुना था कहीं पे नहीं नहीं देखिए अभी हम लोग रामायण में भी आएंगे जब दशरथ महाराज थे एक दशरथ महाराज जो है मतलब पितृलोक में पितृलोक से जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तो पितृलोक से वो फ्लावर ये कर रहे हैं तो वो देवता हैं वो एक देवगण है लेकिन उनमें जो ओरिजिनल जो भगवान की जो पोटेंशी है जैसे नंद महाराज वो नंद महाराज ओरिजिनली रूप से उनमें आए हुए मतलब भगवान किसी ऐसे मतलब जब भी वो अवतार लेंगे वो नंद और यशोदा के ही पास से लेते हैं तो नंद महाराज जो रूप गोस्वामी इसको एक्चुअली क्लियर कर रहे हैं लघु भागवत अमृता में कि वो नंद महाराज जो उनमें एंटर होते हैं उसी प्रकार से भगवान एंड अगर उस जीव को एम्पावर करना चाहे और उसमें एंटर होना चाहे तो क्यों नहीं भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना तो वो एंटर हो सकते हैं भगवान का तेज है नॉर्मली अगर हम लोग उस चीज़ के एलिजिबल नहीं है रामायण में एक और ये भी आता है जब देवतागण दशरथ महाराज को बोल रहे हैं कि देवतागण दशरथ महाराज को नहीं भगवान राम को बोल रहे हैं तो भगवान राम बोलते हैं कि हम किसके यहाँ से जन्म लें तो बोलते हैं जो मेरे ही जैसा गुणी हो जिसमें मेरे ही जैसा सारा गुण हो मतलब मेरे ही जैसा सारा गुण हो मतलब क्या मतलब जब हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिवली वन तो उसका मतलब कि कभी भी जीव जो है भगवान के बराबर नहीं हो सकता है लेकिन भगवान का तेज है ठीक है तो भगवान ऐसा नहीं कि अपने पूरा पूरी उसमें ये जा रहे हैं भगवान जितना जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो शक्ति देना है और जिस तरीके से उनके बॉडी में प्रवेश करके उस चीज़ को ये करना है उस तरीके से करते हैं तो नंद महाराज जैसे दशरथ के बॉडी में एक देवता का वो बॉडी है वस्तुतः उसमें नंद महाराज स्वयं घुस के या फिर नंद महाराज हैं और देवता वो स्वयं घुस के उस तरीके से जैसे अर्जुन जो है वो और विशाखा रामानंद राय दोनों हैं तो उसी तरीके से भगवान एक्ट करते हैं भगवान में बहुत तेज है लेकिन अगर वो चाहे तो किसी जीव को उस तरीके से पावरफुल कर सकते हैं उसके बाद उसके शरीर में प्रवेश करके वो काम कर सकते हैं जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है एज ऑफ नाउ मैं क्लियर कर लूंगा अपने टीचर से कि ये मेरा सही है या गलत है ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है तो उसके बाद मैं आपको और बता सकता हूँ प्रभु जी ऐसा तो हम लोगों ने देखा है कि जैसे देवकी के गर्भ में भी आए थे लेकिन एक्शन करने के लिए क्या वो समाहित हो सकते हैं इस पे थोड़ा डाउट था ठीक है आप थोड़ा और भी मुझे क्लियर करके दे दीजिए आज अपना मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है मैं क्लियर करके आपको एक बताऊंगा एक और चीज था ये रामायण क्या मतलब होने के बाद लिखा गया था या पहले लिखा गया था नहीं प्रभु रामायण जो है जिस समय चल रहा था ना उसी समय लिखा गया था वाल्मीकि जी जो है वो आएगा अभी लवकुश जो है रामायण कंपोज्ड हुआ और लवकुश को लवकुश की भी लीला रामायण में आती है लवकुश को भेजे कि तुम जाओ अयोध्या में इसका कीर्तन करना प्रारंभ करो तो जिस समय चल रहा था उसी समय ये लिखा गया मतलब वो समाधि में बैठ के वो सारा चीज देख सकते थे मतलब सीता देवी अभी तक पहुंची नहीं थी वाल्मीकि जी के पास नहीं वाल्मीकि मुनि लिखना प्रारंभ कर दिए थे ठीक है थैंक यू और किन्हीं का कोई प्रश्न या कोई कमेंट कुछ शेयर करना चाहते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ बोलिए प्रभु जी प्रभु लाइक मतलब एक बार मैं कोलकाता में विजिट किया था सो मैंने देखा बहुत सारे भगवद्गीता के बहुत सारे वर्सन है और प्रभुपाद की भी इच्छा थी कि दैट मतलब भगवद्गीता एज इट इज जो है वही से पढ़ा जाना चाहिए इंडिया में हाँ, हाँ. तो प्रभु मेरा सजेशन नहीं है बट मैंने ये चीज देखा था प्रभुपाद अपने कुछ ऐसे सजेशन जो इंदिरा गांधी को दे रहे थे मतलब कि भगवद्गीता एज इट इज जो है पूरा इंडिया में कंपलसरी कर देना चाहिए तो फिर भी प्रभु मतलब या इट इज गुड दैट मतलब हम मतलब जितने इस्कॉन डिवोटीज है अभी पिछले जो शास्त्र है मतलब वाल्मीकि रामायण जो उनको ला रहे हैं तो व्हाई नॉट भगवद्गीता एज इट इज शुड बी कंपलसरी इन इंडिया इफ पॉसिबल भगवत गीता वो हम कंपलसरी नहीं कर सकते ना वो तो गवर्नमेंट ही कंपलसरी कर सकती है ना हाँ, मतलब यदि ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके ऐसा कुछ किया जाए क्योंकि बहुत सारे मैंने भगवत गीता दिखा जहां पर योगा सिस्टम पे ज्यादा ये बात करते हैं अच्छा तो एक और क्वेश्चन हाँ सॉरी ये हो गया ये तो हम लोग म्यूचुअली हम लोग इसके लिए कर सकते हैं कुछ ये कर दिया जाए ऐसा हो जाएगा आपका भक्त का इच्छा है तो जरूर हो जाएगा तो एक और प्रश्न था तो ये मैं बोल रहा था कि आपने बताया कि जब देवता लोग भगवान का दर्शन का इच्छा किए तभी भगवान मतलब उनका जाने से पहले पहुंचे भी नहीं थे कि भगवान दर्शन दे दिए तो ये मतलब अगर एक जनरल प्रिंसिपल है तो
भगवान हमारे साथ तो ऐसा नहीं करते कभी, या क्या हम लोग कभी ऐसा कभी इच्छा ही नहीं हुआ क्या, मतलब मेरा छोड़ लीजिए, मान लीजिए मैं भोगी हूँ, इतने लोग में किसी का भी इच्छा नहीं होता है कि भगवान नहीं आते हैं, मतलब किस तरह से ये इसको लिया जाए थोड़ा बताइए प्लीज। देखिए भगवान जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास जो है वो अपने अपना चतुर्भुज फॉर्म में ही दिखाए। बहुत सारी जगह हम लोग खुद भक्ति माने के बाद ही एक्सपीरियंस किए होंगे भगवान किस तरीके से सहायता कर रहे हैं, कैसे उस काम को, मतलब हमने सोचा ये बाधाएं उत्पन्न होगी और उस चीज़ को पहले ही कर दिया। तो जैसे कि जब हम लोग के पास एक और भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि जब भगवान बोलते हैं कि योगक्षेमं वहामि अहम् और मम भक्तं प्रणश्यति, तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान जो अपने भक्त की रक्षा करते हैं तो बस बॉडीली फॉर्म में, जैसे ये कि अगर अरे वो भक्त था इतना काम कर रहा था उसका एक्सीडेंट में कैसे मृत्यु हो गया, है ना, इस तरीके से भी बहुत समय सोचते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि भगवान आपको हमेशा उस फॉर्म में या अपने वो रूप लेके ही आए, उसके पीछे और भी रीजन है। एक्चुअली भगवान ही अपने शुद्ध भक्तों को खास करके देखने के बहुत आतुर रहते हैं। तो देवतागण ऐसा नहीं है कि हम लोग जो सोच लेते हैं कि देवतागण हर कोई मेटेरियली अफ्लिक्टेड है, नहीं, बहुत सारे देवगण बहुत शुद्ध भक्त भी हैं, जैसे भगवान शिव, पवन देव, ये लोग जो हैं वो शुद्ध भक्त हैं। कुछ देवतागण जो हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो सकाम कर्म भक्त हैं। तो उनको भी भक्त अपने भक्तों को देखने की इच्छा होती है। जब वो भक्त जो है बहुत उतना शुद्ध उतना सिद्ध हो जाता है तो भगवान स्वयं आ जाते हैं उनके पास, अगर वो इच्छा करें तो भगवान आ जाते हैं। लेकिन जब तक हम लोग नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी सहायता करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कितना जगह बोलते हैं, जैसे स्पिरिचुअल मास्टर हो, एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का, तो उनके थ्रू या अलग अलग सिचुएशन बना के इस तरीके से वो एक्ट करते हैं। रामायण में भी देखेंगे, जरूरी नहीं कि वो हमेशा, जैसे भरत महाराज, ऐसा ही भरत महाराज बोलते हैं, जब भरत भगवान के पास आए, भगवान के पास वो स्वयं आए हैं कि आप हम चलिए अयोध्या ये वो, लेकिन भगवान नहीं गए, उनको क्या किया, एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपना उन्होंने खड़ाऊ दे दिया, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त वो स्वयं अपने चतुर्भुज रूप में या अपने कृष्ण रूप में या राम रूप में हमारे समक्ष प्रकट हों, बट वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे, वो ज़्यादा उत्सुक रहते हैं हमारी सहायता करने के लिए। तो जरूरी नहीं कि वो अपने रूप में आए और उसके बाद ही सहायता करें। नहीं ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे देवता लोग का इच्छा था दर्शन करने के लिए, तो अगर किसी और भक्त का भी रहा वैसा इच्छा प्रबल दर्शन करने, तो भगवान दर्शन दे देंगे। दर्शन देंगे आप जब उसके, मतलब पात्रता हम जब हमारी उपलब्ध हो जाएगी, जब हम ऐसे पात्र बन जाएंगे, तो भगवान अपनी, वो भी उनकी अहेतु कृपा होगी, अगर वो चाहेंगे तो दर्शन दे देंगे। ऐसा भगवान किसी के, मतलब भाई आप तो अहेतु की कृपा का बात कर रहे थे, तो उसमें तो आपने बताया ना कि पात्रता का तो कोई बात ही नहीं, हम लोग तो पात्र बन ही नहीं सकते। हम लोग देखिए पहली बात तो जैसे कि पात्र बन ही नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है कि सबसे पहले जैसे भाई भगवान ये चीज देखते हैं ना, एंडेवर देखते हैं हमारा। आप अगर हमारे आचार्यगण साधना सिद्ध होने पे क्यों इतना फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोग बस उसी चीज पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं ना, कि ऐसे ही रहेंगे, एक दिन आएंगे प्रभुपाद जी लेके चले जाएंगे या भगवान आएंगे लेके चले जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमारा एंडेवर देखते हैं और उसको उससे खुश होकर आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे एंडेवर से वो खुश हो ही जाए, यही उनकी हेतु कृपा है, समझ रहे हैं। हमारे अंदर ये नहीं कि हम इतना ये कर लेंगे कि हम इतना भगवान को अपने बस में कर सकते हैं, ऐसा नहीं। उनकी कृपा होगी, अगर वो हमारे एंडेवर से वो खुश हो गए तो वो खुद आ जाएंगे, वो उनकी हेतु कृपा है, क्योंकि हमारे सर्वेंट नहीं है ना वो, कि वो उस चीज़ को, मतलब आके वो उनकी वो पूरा करना ही होगा अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो वही उनकी हेतु कृपा है। अगर हम उस तरीके से एंडेवर कर रहे हैं, वैसा हमारा प्रयास है, भगवान देखता रहे ये सीरियस है बंदा, हमको उसके पास जाना चाहिए, तो चले जाते हैं। जी थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।